वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, उसमें ज़ीरा डालेंगे थोड़ी सी, एक कटा हुआ ऑनियन डालेंगे, अच्छी तरह मिला लेंगे। मिलाने के बाद करी लीव्स डालेंगे थोड़ी सी और मिक्स करेंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे आप इसमें हम लोग, अच्छी तरह मिला लेंगे। जिंजर गार्लिक का कच्चा स्मेल जाने तक भूनेंगे हम इसको। भूनने के बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग इसमें टमाटर मिला लेंगे, एक टमाटर इनफ है इसमें। टमाटर मिक्स करते हुए हम लोग इसमें थोड़ी सी मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे इसमें और 1 1/2 स्पून रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे हम, और 1 स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं फ़िलहाल 1 चम्मच डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें नमक डालूँगी, 1 स्पून नमक डालूँगी इसमें और अच्छी तरह मिला लूँगी। इसके बाद मैं थोड़े से गरम मसाला भी ऐड करूँगी। इसमें ज़्यादातर मसाला कुछ नहीं जाता, गरम मसाला एक ही जाता है, तो वो डाल के अच्छी तरह मिला लेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट मी। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए, मुझे थोड़ी सी ही चाहिए तो मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ। आपको जितने चाहिए उतने पानी डाल के आप ग्रेवी बना सकते हो। इसमें बॉईल किया हुआ अंडा डालेंगे अभी, जिस शेप में आपको कर पसंद होगा उस शेप में कट कीजिएगा। मैं फ़िलहाल अभी राउंड शेप में कट कर रही हूँ, तो इसमें डाल के हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद अगर आपको चाहिए तो थोड़ा पानी डाल के ग्रेवी बना सकते हो, ये इनफ है 2-3 जने के लिए, तो मुझे इतना बस, मैं इतना ही रखूँगी। 5 मिनट और कुक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको सभी को पसंद आएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग।